ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा इनके लागी काई, इनके भरोसे कोई मत रहना, इन्हें न मुक्ति पाई। कह रहे दास सुनो भाई संतो, ब्राह्मण के गुण तीन, मान हरे धन हरे ले मती को छीन। हमारे पुरखों का जानवरों से भी नीचे सतर गिरा के उनको रखा है, उस संस्कृति को, उस धर्म को, उन देवी देवताओं को जो आपस में तलवार और तीर लिए फिर रहे हैं। हमारे दुखों का जो कारण है वो हम अपने आप को नहीं जानते, एक कारण है। हम अपने समाज को नहीं जानते, दूसरा कारण है। हम अपनी सरकार को नहीं जानते, तीसरा कारण है। हम संविधान को नहीं जानते, ये चौथा कारण है। और हम मिलकर संघर्ष नहीं कर रहे, ये हमारा पांचवा कारण है। ये हमारे दुखों का कारण है। तो एक शायर ने कहा, भीड़ देख के बहुत, दूसरे शायर को कह रहा कि बहुत भीड़ है तेरे शहर में, जिधर देखो आदमी ही आदमी, मगर तू तो पार्क ही है, तू ही बता इनमें कितने हैं आदमी। लड़ने वाले तो कमी है। हमने ये विषय क्यों रखा है, ये विषय क्यों रखा है? अभी साधुओं की हमने ट्रेनिंग शुरू नहीं करी है, अभी इनका ट्रेनिंग चलेगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम। अभी ये दूसरी लाइन पे थे, पर बाबा साहब की बात उसका लाभ लेके आज ये सही मतलब सत्य की लाइन की तरफ आए हैं। और हमारा भी है कि सत्य को, सत्य के रास्ते की तरफ आए हमारे साधु, तो उसकी तरफ हम इनको लाने का प्रयास कर रहे हैं। जब टीवी नहीं था, रेडियो नहीं था, मोबाइल नहीं था, तब भी साधु संत ही समाज को जगा रहे थे, राइट? जब कुछ भी नहीं था यही तो जगा रहे थे। और आज सब कुछ है, लोग भ्रमित कर दिए गए हैं, उनको अगर भ्रम से निकालने का काम अगर कोई करेगा तो वो भी साधु संत ही कर सकता है, ये करेंगे निकालने। क्यों हमने रखा है कि आम आदमी मजदूर और एक जज भी साधु को नतमस्तक हो जाता है। देखिए आपको ध्यान है, आशाराम जी जेल में है, एक जज उसके पैर पकड़ रहा, देखिएगा उस पे आ रहा आस्था। यानी कि साधु संतों के मामले में साधारण आदमी से लेकर खास आदमी तक इन पे विश्वास करता है, आशा लगाए बैठा है इनके ऊपर, ठीक है। वो सोचता है मेरी समस्याओं का समाधान जरूर इनके पास होगा, क्यों कि इनका जीवन तप वाला जीवन है। साधु वही बनता है जो अपना जीवन पहले खत्म करता है और फिर दृढ़ निश्चय करता है, अब मेरा जीवन समाज के लिए होगा, तभी वो साधु बनता है। इसलिए साधारण आदमी इन पर विश्वास करता है। महिलाएं तो 100% विश्वास करती हैं कि बाबा ने कह दिया तो बस सारा। अभी तो हमारे समाज में कितने वो घुस गए हैं, एक बाबा है वो छोटे से बच्चे के रूप में, क्या है वो, हाँ अमर सिंह आ गया है, इतने घुस रहे हैं। इनका बंदोबस्त नहीं होना चाहिए क्या, इनकी रोकथाम नहीं होनी चाहिए क्या? अंधविश्वास जो घुसा रहे हैं, इनकी रोकथाम करने के लिए हमने सेना तैयार की, अभी शुरुआत करिए, ये रोका जाएगा, ये हमने बैठाए हैं, अभी तैयार करा है इनको। आदमी डरता है, कमजोर है, गरीब है कि शायद कोई समाधान हो जाए, और वो साधु उनको भ्रमित करके उधर ले जा रहे हैं। तो हमने कार्यक्रम बनाया कि भी क्यों ना अपने साधुओं को भी तैयार किया जाए। तो उनके साधु क्या कर रहे हैं और हमारे साधु क्या कर रहे हैं? गरीब आदमी, खास आदमी इनमें आशा रखता है, तो उनके जो साधु हैं वो अपनी संस्कृति के माध्यम से क्या कह रहे हैं? वो सारा झूठ पे है 100%। सबसे बड़ा झूठ क्या है? ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है दुनिया में? बाजू से क्षत्रिय पैदा हुआ, इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? पेट से वैश्य पैदा हुआ, इससे बड़ा झूठ हो सकता है? और पैर से शूद्र हुए, इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है?
और फिर क्या करें? अगर तुम दुखी हो पिछले जन्म के बुरे कर्मों के कारण हो, कोई दोषी नहीं है, तुम ही दोषी हो। कौन कह रहा है? उनके सारा धार्मिक विंग की जो सिस्टम है ये करती है, पुनर्जन्म में तुमने बुरे कर्म किए हैं इसी जन्म में भुगत लो ताकि अगला जन्म तुम्हें अच्छी कास्ट में मिले, ये बता रहे हैं। भाग्य में ही ये लिखा है तुम्हारे में, ऐसा करोगे। और महिलाओं के लिए, ओहो हो, महिलाओं की तो बात आप अगर वेदों को आप रखकर महिला बैठे हो तो वेद पढ़ नहीं सकते बेटियों और बहनों के सामने, इतना उनमें वे विचार जैसे बात कर रहे थे और गंध है वो सुना रहे हैं। और तुलसीदास जी की तो कितनी अच्छी चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र और नारी। देखिए क्या करे, ढोल गंवार शूद्र नारी किसको करे? मैं क्या कह रहा हूं, उसको कह रहे हैं कि ये सत्य है। कौन? उनके साधु। वो कह रहे हैं कि ये सत्य है, बुरे कर्म किए पिछले जन्म में भुगतो, अगला जन्म ठीक होगा, तीनों वर्णों की सेवा करो विदाउट पेमेंट, पे नहीं मांगनी है। उस संस्कृति ने जितना हमारा सत्यानाश किया, अरे हमारी माँ बहनों के सिर पे मल मूत्र रखवा के आज तक उठवाया है, हमारे पुरखों का जानवरों से भी नीचे सतर गिरा के उनको रखा है। उस संस्कृति को, उस धर्म को, उन देवी देवताओं को जो आपस में तलवार और तीर लिए फिर रहे हैं, ये तो डॉक्टर साहब ने कंजूसी करी है पूरा बताने में, नहीं तो बुद्धा के बाद जो सांस्कृतिक जो विंग शुरू हुई है, जो ये नाथ संप्रदाय से पहले दैत्य कौन सा सिद्ध ना सिद्ध सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और फिर ये संप्रदाय जैन ने सारा आया है, उसका आते 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 यहाँ तक हमारा संप्रदाय आया है, इसमें कभी डिटेल में वो उसकी बात रखेंगे। तो साथियों में करता ये कह रहे हैं कि सत्य है ये, अगर यही सत्य है तो फिर झूठ क्या है? उधर हमारे पुरखे जो संत हैं सबसे बड़े, कबीर साहब है, रैदास साहब है, वो क्या कह रहे हैं? कबीर साहब क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा इनके लागी काई, इनके भरोसे कोई मत रहना, इन्हें न मुक्ति पाई, इनको कह रहे हैं। रैदास जी कह रहे हैं, कह रहे दास सुनो भाई संतो, ब्राह्मण के गुण तीन, मान हरे धन हरे ले मती को छीन, आपकी बुद्धि छीन लेंगे। यानी कि ये जिसको सत्य कह रहे हैं, हमारे पुरखे उस सत्य को बता रहे हैं। तो हमारे संतों ने क्या, मैं निवेदन करना चाहता हूं इनके आगे क्या होगा कि हमारे दुखों का जो कारण है वो ये है, ये जो बता रहे हैं ये नहीं, ये जो बताएंगे वो ये होगा। और मैं वो सबसे पीछे बैठे हैं, हमारे आर्मी से रिटायर्ड संत हैं वो, हाँ वो सबसे पीछे बैठे हैं, मैं उनकी तरफ से ही बोल रहा हूँ ये सारी बातें। वो संत हमारे क्या कह रहे हैं? ये झूठ बोल रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं? अब आपने देखना है सारा। हमारे संत क्या कह रहे हैं? हमारे दुखों का जो कारण है वो हम अपने आप को नहीं जानते, एक कारण है। हम अपने समाज को नहीं जानते, दूसरा कारण है। हम अपनी सरकार को नहीं जानते, तीसरा कारण है। हम संविधान को नहीं जानते, ये चौथा कारण है। और हम मिलकर संघर्ष नहीं कर रहे, ये हमारा पांचवा कारण है। ये हमारे दुखों का कारण है, ये हमारे संत करेंगे। इधर मुक्ति की बात बाद में, चाहे विवेकानंद हो, चाहे उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस हो जिन्हें इतनी सिद्धियां थी, तो विवेकानंद जी कह रहे थे मुझे सिद्धि नहीं चाहिए, इधर तो बच्चे भूखे मर रहे हैं, इधर तो रोटी नहीं है। और हम धर्म की बात करें, मैं ध्यान लगाऊं, मैं पूजा करूं, मेरे पड़ोसी के तो बच्चे बेरोजगार हैं, शराब पी रहे हैं, भूखे हैं, जुआ खेल रहे हैं, मौत की तरफ जा रहे हैं, क्या मैं ध्यान लगा पाऊंगा? क्या मैं सत्संग कर पाऊंगा? हमारी माताएं बहनें भटकी हुई हैं, भ्रमित हैं, और मैं पूजा कर सकूंगा?
अरे ये विंग हमारी सत्य निकालेगी, सत्य कहाँ पर है, ये झूठ का आडंबर है जो ये लगा रहे हैं। हम अपने साधु संतों को हम चाह रहे हैं कि तैयार होके सत्य की तरफ आए, सच सबसे ज्यादा मुक्ति देगा, सबकी मुक्ति दिलाएगा। तो ब्राह्मण धर्म लाने में लगे हैं, राम राज लाने में लगे हैं, और राम राज में क्या होगा, शंभुकों की गर्दन काटी जाएगी, क्यों कि उन्होंने शिक्षा के राइट की बात कर ली। तो ये सारा होने वाला है, इसको बचाने के लिए साधुओं के जो वो आ गए हैं, तो हमारे साधुओं को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। हमारे साधु अगर हमारे समाज को कहेंगे तो लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? निश्चित सुनेंगे। तो इनके माध्यम से समाज का बहुत बड़ा आगे उद्धार होगा, कल्याण होगा। और फूले जी और बाबा साहब के, गुरु रैदास कबीर साहब के, जो हमारा आदि से चला आ रहा है संत परंपरा, उसकी तरफ ये हमारे साधु ले जाएंगे।